हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानज मल्टी कुजिन फूड। आज हम एक बहुत ही इजी और सिंपल हेल्दी स्ट्रीट फूड रेसिपी बनाएंगे, दही बड़ा या दही भल्ला, और कुछ टिप्स भी बताएंगे। आई होप आप सभी को आज का मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे जरूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि इजी और सिंपल टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दही बड़ा या दही भल्ला का रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम 4 टेबलस्पून उड़द डाल लिया है और इसे हम ओवरनाइट सोक करके रखे थे, और ये है 2 टेबलस्पून मूंग दाल, इसे भी ओवरनाइट सोक करके रखी थी। आप दोनों एक साथ मिक्सर जार में ले लेंगे। अब मिक्सर जार के अंदर एक चॉप किया हुआ हरी मिर्च देंगे और 8 से 10 ब्लैक पेपर कॉर्न्स देंगे और इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, पेस्ट का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होगा फाइन। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब बटर के अंदर 1/4 टीस्पून एसाफोटिडा या हींग देंगे और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट देके बहुत ही अच्छे से इसे फटेंगे 10 मिनट्स तक। देखिए, मैं दिखाती हूँ कैसे फटना है। देखिए, ऐसे इसे फटेंगे 10 मिनट तक। जितना आप इसे फटोगे उतना आपका दही बड़ा का बड़ा अच्छा होएगा, अच्छा सॉफ्ट और फ्लैपी बनेगा। देखिए, 10 मिनट्स तक फटने के बाद ये बिल्कुल लाइट हो गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम दिखाते हैं कैसे फ्राई करना है। पहले फिंगर को पानी में डिप करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बैटर लेके गर्म तेल में छोड़ना है। अब बड़ा के साइज छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। देखिए, आप गर्म तेल में छोड़ देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम में पहले इसे फ्राई करेंगे। देखिए, आप देख सकते हो तेल में छोड़ने के बाद इसका साइज कैसे बड़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, बड़ा जब ऑलमोस्ट फ्राई हो जाएगा तो पैन से निकलने के 30 सेकेंड्स पहले फ्लेम को एक बार हाई कर देंगे। उससे क्या होगा, ये जितना तेल अब्जॉर्ब करेगा कम तेल में फ्राई करने की वजह से, वो सब तेल इसका निकल जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल राउंड शेप का बड़ा चाहिए तो देखिए, ऐसे गर्म तेल पैन से लेके ऊपर ऐसे देना है तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हो कितना राउंड हो गया है। देखिए, एक बड़ा हम आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, इसका अंदर का टेक्सचर बिल्कुल लाइट फ्लैफी और स्पंजी बनी है। अब एक बड़ा सा बाउल में ज़्यादा करके पानी लेंगे और पानी में सारे बड़ास को डिप करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो देखिए, 30 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है साइज़ में। अब सॉफ्टली हल्की हाथों में देखिए पानी को ऐसे निचोड़ देंगे और एक बाउल में रखेंगे निचोड़ के।
सोक करने के बाद अंदर का टेक्सचर मैं दिखाती हूँ। देखिए 30 मिनट सोक करने के बाद बिल्कुल सेम टेक्सचर है इसका। देखिए देखिए बड़ा इतनी फ्लफी बनी है। निचोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से राउंड शेप में आ रहा है। देखिए आप देखिए तो देखिए अगर आप चाहो तो इस निचोड़ने के बाद इस बड़ा को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 to 3 days के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। इससे क्या होता है काम थोड़ा इजी हो जाता है। जब भी भल्ला खाने का मन करेगा तो दाल भिगोना नहीं पड़ेगा, बैटर बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बड़ा को बाहर करके दही से आप इजीली फटाफट इसे सर्व कर सकते हो। स्पेशली रमादान के टाइम अगर ऐसा करके रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाता है काम। अब एक बाउल में 3 tablespoons दही लेके दही में थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी ऐड करेंगे और दही को पानी के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। अब थोड़ा सा काला नमक या ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बड़ा को दही के अंदर डिप करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरे एक बाउल में 5 tablespoons दही लेंगे और इस दही में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इस दही को थिक ही रखेंगे। अब दही के अंदर 2 to 3 tablespoons पिसा हुआ चीनी या पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इस पाउडर शुगर को हम पहले ग्राइंडर जार में पाउडर बना के रख दी थी। देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप प्लेटिंग करेंगे तो एक प्लेट में बड़ा को रखेंगे पहले, अब ऊपर दही देंगे। देखिए अगर इस दही में आप पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा और पतला होने की वजह से क्या होगा, जब ऊपर जब आप दही दोगे तो दही साइड में निकल जाएगा, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगा और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगा। अब मीठी चटनी दे देंगे। अब मीठी इमली चटनी या स्वीट टैमरिन चटनी देंगे। ग्रीन चटनी दे देंगे। अब होममेड चाट मसाला देंगे। देखिए रेसिपी रिलेटेड जितना इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है इस वीडियो में, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये। इस भल्ला का टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसा ही है। प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप सभी को रेसिपी पसंद आएगी। तो इजी और सिंपल हेल्दी स्ट्रीट फूड दही वड़ा या दही भल्ला बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको आज का मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ के नीचे लाइक का बटन क्लिक जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।